माता रानी, ये क्या कर रहे हो माने कुछ समझ में ना आ रहा है। पहले मेरा हाथ टूटा, फिर सपने, और अब छोरिया सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। अरे आपको जितनी भी सजा देनी हो, एक की बारी में देख के सब मामला खत्म करो। अब भी सोचा था गुन्नू सुत्तू को नौकरी से निकाल के गरिमा सुशीला के हाथ पीले कर दूं, तो ये खबर आ गई। अब तो सब कुछ खत्म हो गया मेरे यार। लड़कियों ने मने कहीं का ना छोड़ा। यू सारा दोष छोरियों को देना ठीक ना है। उम्र का तकाजा है, गलती हो जाती है। अब प्रायश्चित कर रही है ना, सुबह से भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद पढ़ाई कर रही है। हाँ भाई साहब, जगत ने इस बात को ज्यादा ही तूल दे दिया। ये सारा किया धरा उसी का है। आप पोस्टर भले जगत ने लगाए हो, लेकिन गुड़ तो हमारी छोरियों ने खिलाया है ना, हैं? ये रोता क्या भाई साहब? और आप तो इस शहर को मुझसे ज्यादा जानते हो, हैं? यहाँ के लोग ना भूलते नहीं हैं, और ना माफ करते हैं। और अब तो छोरियों के लिए एक अच्छा रिश्ता भूल ही जाओ। और मैं तो न्यू कह रही हूँ भाई साहब कि अब ना सारी जिंदगी छोरियों को घर बिठा के खिलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहां तक पहुंच के हार मान लेना चाहते हो? तुम आओ आओ, नीचे तो बड़े मजे ले रहे थे तुम। अब चीखू मैं, चिल्लाऊ, पकड़वा दू? छोरियों के कमरे में से चोरी छुपे घुसे हो ना, ऐसी दुलाई होगी ना बच्चू कि सिट्टी पिट्टी गुड़ हो जाएगी। चिल्लाओ चिल्लाओ ना मैडम, चोर के घर में चोरी चोरी नहीं होती। और प्लीज ये सीडी चेंज करवा लो, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लाइम दिस वे। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। गर्लफ्रेंड, तो सुन ले बॉयफ्रेंड, हम ना अपनी सच्चाई पापा जी को बताने जा रहे, और इसी के साथ तेरा ब्लैकमेलिंग खत्म। मुझे तो आप सेंसिटिव टाइप लगे थे, मतलब सेंसिबल, सेंसिटिव, मतलब दोनों। मुझे लगा था कि आप ये सिचुएशन देख के हमारी हेल्प करोगे, लेकिन आप तो। मैं हेल्प ही करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। नो, बट वी डोंट ट्रस्ट यू। हमारा जरा भी भरोसा ना है तुम पे, तो जिस तरीके से आए हो ना उसी तरीके से उल्टे पाओ वापस चले जाओ। पुत्तू रास्ता दिखा। तो फिर तो जगत तो जीत ही गया ना, कोई चैलेंज करने वाला बचा ही नहीं उसे। जितना मैंने देखा और समझा है ना, तुम लोगों ने बहुत टफ फाइट दी है उसे। What do you say? नाकों अब तले चने चबा देना, चबा देना। कोई इंसान दूसरे इंसान को बदनाम करने वाला रूट तभी अपनाता है जब उसे सामने वाले से हारने का डर हो। तुम लोगों से टकराने के बाद ही जगत को यह समझ में आया होगा कि ये मार्केट उसकी बंद मुट्ठी से फिसल भी सकती है, और इसीलिए वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बदनाम कर रहा है। अरे तुम्हारे पापा जी नहीं जानते कि तुम गुन्नू और सत्तू हो, लेकिन तुम तो जानते हो, तुम तो जानती हो ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो फिर जगत ने जो ये नई नौटंकी खड़ी की है, इससे लड़ने का रास्ता ढूंढोगे या फिर खुद ही अपनी सारी अचीवमेंट्स पे पानी फेर दोगे? गुन्नू सत्तू का किस्सा खत्म, बस। रे धर्मपाल, अगर तन्ने गन्नू और सत्तू को दुकान से निकालने का फैसला कर ही लिया ना, तो काटे लाल एंड सन्स का गल्ला जो भी भरना शुरू ही हुआ था ना, एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा। पैसों से ज्यादा प्यारी है मने घर की इज्जत। दुकान पुत्तू चलाएगा, चाहे जैसी भी चलाए। अरे भाई धर्मपाल, हमने देखा है उन चोरों को तेरे लिए काम करते हुए, वो छोरे इतने गलीच ना है। रे, उन्होंने जो भी काटेल एंड सन्स के लिए किया या थारे लिए किया ना, इतना सब कुछ तो आज तक हमने ना किया। रे, मेरा भला सोचकर उन्हें घना लाइसेंस मिल गया मेरे घर की इज्जत उछालने का। रे धर्मपाल, फोटो में जो भी कुछ दिखन लाग रहा है ना, उसमें गलती उनकी भी ना है। मारी छोरियां भी तो उनके साथ बैठी है स्कूटर पे। तो आज से मेरी छोरियां भी घर से बाहर ना निकलेंगी।
लिसन, तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज तुम लोगों ने हार मान ली ना, तो समझ लो कि वो जीत गया। कोई इंसान ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि तुम लोग बॉयज क्यों बने या लड़के बन के तुमने क्या अचीव किया। और एक बार फिर काटेलाल एंड सन्स में तुम्हारा पैर रखना बैन कर दिया जाएगा। मैं तो फिर भी ऐसी फील्ड में हूं जहां पे लड़कियां डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम कि करीमा और सुशीला बनके कोई काटेलाल एंड सन्स नहीं चलाने देगा तुम्हें शहर। पर अगर गुन्नू और सत्तू बनके तुमने वॉर कंटिन्यू की और शॉप सक्सेसफुली चला ली, तो एक दिन जगत तो हार मानेगा, साथ ही साथ तुम्हारे पापा का ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा कि चोरियां जो चाहे कर सकती। एक छोटी सी लड़ाई जीतने के चक्कर में पूरी वॉर मत हारो। डॉक्टर प्रमोद, यू ग्रेट, यू हैंडशेक। वाओ सर, वाओ, क्या बात कही आपने। अब तो आप मुझे बोलोगे ना कि पुत्तू तू उड़ सकता है, तो मैं भी बालकनी से छलांग लगा दूंगा। यस, वाओ, लव यू। आप जो ये कर रही है ना सुशीला जी, I really admire you for this. यार कोई इजी रास्ता बनवा लो, ऐसे आना जाना नहीं हो पाएगा मुझसे ना। आपके लिए तो मेन डोर खुला ही रखा है पापा जी ने, यो रास्ता हमारे आने जाने के लिए। अरे भाई धर्मपाल, गुन्नू सत्तू को नौकरी से निकाल के गरिमा और सुशीला को घर में बंद करने से ये जो बदनामी हो रही है ये कम हो जाएगी क्या? अरे अगर जगत सेठ ने आकर तुम्हारे बच्चों की फोटो है तुम्हारे मुंह पर ऐसी फेंकी होती ना, तो आज ऐसी बात ना कर रहे होते। अरे यो मगरमच्छ का बच्चा जगत, धर्मपाल मैंने तो लग रहा है यो सारी कारस्तानी जगत की है। हाथी बाजार में ऐसी हरकत और कौन करेगा, तू खुद बता। यही तो चाह है वो कि तू बदनामी से डर के गन्नू सत्तू को दुकान से बाहर निकाल दे और थारी चालती हुई दुकान फिर से बंद हो जाए। बात तो मैंने सही लग रही है भाई साहब, जब हम ऐसे ही जगत के हाथी कठपुतली बने रहे तो हाथी बाजार की सारी दुकान एक एक करके गई समझो। और इन छोरों का काम तो पिछले दिनों हमने देखा ही है, और छोरियां हमारी अपनी है, कुछ भी कर सके हैं, पर ऐसी गिरी हुई हरकत ना कर सके। ये गुन्नू और सत्तू तेरी दुकान के कारीगर ना है, अरे तेरी छोरियों के आशिक है। ये कपड़े क्या कर रहे थे तुम्हारी अलमारी में? ये तो गुन्नू सत्तू के कपड़े हैं। पर पापा हमने उन दोनों का टैलेंट देख के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमने फैसला सही लिया या गलत, मैं यो कह रहा हूँ तुमने फैसला लिया ही क्यों। बात तुम्हारे तक ही ना, सारे हाथी बाजार तक पहुँचा दी उसने। पूरे हाथी बाजार की सारी दुकानों के बाहर लगे हुए हैं ये पोस्टर। गरिमा और सुशीला को घर में बंद करने से ये जो बदनामी हो रही है ये कम हो जाएगी क्या? यही तो चाह है वो कि तू बदनामी से डर के गन्नू सत्तू को दुकान से बाहर निकाल दे और थारी चालती हुई दुकान फिर से बंद हो जाए। और अगर ये अफवाहें सच हो जाए तो? मैंने फैसला कर लिया है, गुन्नू और सत्तू इस घर के दामाद बनेंगे।
हमारी शादी हमसे ही कैसे हो सकती है? कर रही है तू? देख बेट, मेरे सामने ना दो रास्ते, एक रास्ता सीढ़ियों से नीचे धर्मपाल जी तक, दूसरा रास्ता बालकनी से नीचे मुंबई तक, और दोनों में से एक रास्ता तो मैं आज लेने ही वाली हूँ। तू तो डिसाइड कर ले बेट, सच बताना है या अपने अपने रास्ते निकलना। डॉक्टर प्रमोद ने जो इतना सारा भाषण दिया उसका कोई असर नहीं हो तेरे पे? अरे कुछ कर नहीं सकते तभी तो यहाँ पे सर पकड़ के बैठे हैं। और तुझे क्या लगता है मुझे स्ट्रेस ना हो रहा है? ना तुझे किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? तू तो शादी के नाम पे डांस करती है। तू और तेरा बाप सावन के अंधे हो दोनों, जिन्हें सिर्फ शादी नाम की हरियाली दिखाई देती है हर जगह। लेकिन कान खोल के सुन ले बहन, मैं ना इन चक्करों में ना पड़ने वाली, ना दिमाग कवारा लेके जाएगी। हाँ। अरे तेरी और मेरी शादी जब टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है तो तू किस बात का स्ट्रेस ले रही है? हाँ तो फिर किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं हम? काटते ललन संस बंद नहीं होनी चाहिए, पापा को हमारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, और वो जगत उसे एक और मौका नहीं मिलना चाहिए। अभी तो शांति से बैठ और सोच। हट। क्या शांति से? स्कूटर के पीछे क्या बैठ गई तो फेरे लगवाने की बात करें तेरे पूजनीय पिताश्री? पूरी दुनिया में ना ऐसे बाप कहीं नहीं मिलेंगे, बस हमारे यहाँ मिलते। अब कोई नया बाप तो मिलने नहीं वाला तुझे एक्सचेंज ऑफर में, तो जो है ना उन्हीं से काम चलाना सीख ले। और हमारे पापा हमारे लिए बहुत सोचते, जो कुछ भी हुआ है ना उस पे उनका ये रिएक्ट करना बनता है। अच्छा तो एक काम कर, अपने पापा जी को ना समझा दे कि अपना ओवर रिएक्शन ना बचा के रखे, क्योंकि मुझे तो अभी मुंबई जाना है। मुंबई जाके बड़ी सी स्क्रीन पर ना रणदीप हुड्डा के साथ रोमांस करना है। अगर वो अभी से इतनी आंखें फाड़ेंगे तो जब मैं मुंबई भाग जाऊंगी तब क्या करेंगे तेरे पूजनीय धमकी पाल जी? अरे दीदी, जिस डायरेक्शन में ताऊ जी आपको खींच के लेके जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में तो मुझे मुंबई दिख ही ना रहा दूर दूर तक। तू क्या अपना पेट्रोल डाल रहा है? हाँ, और तू ना जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। दिमाग गरिमा सुशीला, मेरा फैसला तो तुम तक पहुंच गया होगा, अब तो खुश होना तुम ना। पापा आपको ना लगता कि आप ये सवाल थोड़ा लेट पूछ रहे हो ना? अगर लास्ट विश पूछनी थी तो फांसी का फंदा खींचने से पहले पूछ लेते। ये कह रहे चोरी हैं? ना मेरा कहने का मतलब यो है पापा जी कि आप मुझ पर तो भरोसा ना करोगे तो अपनी फेवरेट बेटी से ही पूछ लो। ये बावरी तो हमेशा शादी के लिए उतावली रहती है, लेकिन इसमें तो ये भी शादी ना करना चाहती। हाँ पापा, पापा उन लड़कों से हम प्यार ना करते, आप शादी तोड़ दो। हाँ अच्छा, प्यार ना करते, तू भी ना करती? नहीं। अरे तो पहले बता देना चाहिए था ना कि शादी तो तय होगी तुम्हारी। नहीं आप ना वो विलेन टाइप के पापा जी ना हो, आपके अंदर जाग के देखो पापा जी, आप हमें इतना पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, अब तो हमारी मर्जी के बगैर तो हमारी शादी ना कराओगे हैं? हैं? करा दोगे? नहीं नहीं पापा, ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ। जब हम ही खुश ना रहेंगे, हम उन लड़कों से प्यार ही ना करते तो पापा कैसे? वो तो इन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। अब हमने इतनी बड़ी गलती तो की है ना, उन लड़कों के स्कूटी पे बैठ के हम काम के लिए निकल गए, लोगों की लगा की गेड़ी मार रही है। हाँ, और अब मुझे क्या पता था कि स्कूटर के पीछे बैठने से बुकिंग हो जाती है। हाँ तो बेटा जी, गाड़ी देख के बैठना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। यह वाली गाड़ी तो मंडप की तरफ होली है ना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चाची कितनी बार बताया आपको, जब से वो स्कूटी सर्विसिंग से आई है तब से बार बार खराब हो जाती है, इसीलिए तो गलती से उन लड़कों से हेल्प ले ली हमने।
बोल लिया, अपने मन का गुस्सा निकाल लिया ना बेटा? ये फिल्मी डायलॉग बोलने से कोई फायदा ना होगा, कहानी और असल जिंदगी में यही तो फर्क होता है। एक तो तुम्हारी फोटोएं देखकर ऐसा नहीं लग रहा जो तुम कह रही हो सही है, और दूसरा तुम अगर सही भी कह रही हो ना तो ये फोटोएं दीवारों से भले ही उतर गई हो पर लोगों के दिलो दिमाग में चिपकी हुई है और हमेशा चिपकी रहेगी अगर हमने कुछ ना किया। फोटो के पीछे की असली कहानी क्या है क्या नहीं है इसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इस मामले में सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। इतने सालों में पूरे रोहतक में किसी की हिम्मत ना हुई कि धर्मपाल की छोरियों के बारे में कोई चू तक कर सके, और आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो जगत जैसा घटिया आदमी मुझे आकर कुछ भी सुना के चला गया। अब मैं उसको एक भी मौका नहीं दूंगा कि वो मेरी बेटियों की बदनामी कर सके। चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अरे दो दिन कमाई क्या कर ली छोरों ने, बड़ा उड़दंग मचा रहे थे। लेकिन आज दुकान पे फिर ताला लगा। अरे ताला खुल भी गया ना बंजर साहब, तो इनके चलाने वालों के तो मैंने हाथ काट रखे। अरे धर्मपाल को जैसे ही पता चला ना कि उनकी छोरियों का चक्कर दुकान के नौकरों से चल रहा है तो कान पकड़ के दोनों को बाहर निकाल दिया। और ये काटे लाल इंसंस बेचारी फिर अनाथ हो गई। तो आप रेडी रहो जगत जी दुकान का नाथ बनने के लिए। अरे मैं तो कहता हूं दुकान प्रवेश का मुहूर्त निकाल ही लो। बधाई हो जगत सेठ, बधाई हो। लेकिन पापा वो जगत को सही साबित करने के लिए हमारी साथी क्यों? हमने तो कुछ ना किया है। किस किस को बताओगे और कैसे साबित कर दोगे कि तुमने कुछ ना किया? और तुम लोगों को जो करना था वो तुमने किया, अब एक बाप होने के नाते मैंने जो करना है वो मैं करूंगा। मैंने तुम लोगों को सारी छूट दी, कभी रोका नहीं, पर बात बेटा अब तुम्हारी जिंदगी की है इसलिए अब लगाम मेरे हाथ में होगी। पर पापा यो जगत यो समाज, आप तो कभी उनकी बातों में ना आए, आप तो हमेशा यही तो गलती करती ना बेटा, तुम्हें संभाल के पिंजरे में रखने की बजाय खुले आकाश में छोड़ दिया और नतीजा ये सामने। बेटा समाज सिर्फ तुम और मैं ना है, समाज के अपने नीति नियम कानून और एक नजरिया होता है, और इसीलिए पिता लड़कियों की शादी 18 की होने तक कर देते हैं। पर पापा वो गुन्नू और सत्तू अच्छे लड़के ना है। हाँ 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 पापा, वो गुन्नू तो सिगरेट पीता है, सत्तू तो फिर भी ठीक है। क्या ठीक है सत्तू? आपको पता है पापा वो भारती बाजार के बाहर वो लड़की छेड़ रहा था। हाँ सब ठीक है। किशु पता करिए सच कह रही है कि अगर ऐसा है तो निकाल बाहर कर दे दुकान से उन्हें। नहीं 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 वो बाद में हमने उस लड़की से बात की थी और वो बस एक गलत फहमी थी, ऐसा कुछ नहीं था, सत्तू बहुत अच्छा लड़का है। हाँ गरिमा। हाँ हाँ सही कह रही है। मैंने पता है मैं बुरे लड़कों से तुम्हारी शादी फिक्स ना कर रहा हूँ, मैंने गुन्नू सत्तू बहुत सही लगते हैं तुम्हारे लिए इसलिए तो तुम्हारी शादी उनसे फिक्स कर रहा हूँ। अरे अच्छे लड़के हैं, तुम्हें खुश रखेंगे। पापा हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन हम सच कह रहे हैं, उन लड़कों के साथ हमारा प्यार व्यार का कोई जो समझ रहे हो तो ये भी समझ लो, अरे इतनी बदनामी के बाद दूसरे छोरे शायद ही मिले। बेटा अच्छा काम करो कोई ना जानता, पर बदनामी आग की तरह फैल जाती है, और प्यार का क्या है, हमने कौन सी प्यार करके शादी की है ये शिशुपाल और चंचल से पूछ लो। अरे शादी हो जाएगी तो बातें करोगे, एक दूसरे को समझोगे, प्यार अपने आप होता रहेगा। वो जरा मेरा भी उद्धार हो जाए तो मैं भी कोई हिल स्टेशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी लो जगत सेठ।
ये मिठाई किस खुशी में बट रही भाई? हमारी भतीजियों की शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो। ये शादी ब्याह और बच्चे ना उतने रहने चाहिए, क्या जीवन में रंग बना रहता है। और सुनो, पैसे वैसे की जरूरत हो तो वापिस आ जाना, टेंशन नहीं लेना। पैसे तो उसके बाप ने जोड़ रखे, बाकी हम तो अपनी भतीजियों के ब्याह में मिठाइयां बांटेंगे। इसकी भतीजियां थोड़ी भी भतीजियां? धर्मपाल की छोरियां हमारी भतीजी हुई ना मैनेजर साहब, उसी का ब्याह फिक्स हुआ है। रे किसी बेवकूफ ने धर्मपाल को बदनाम करने के चक्कर में पूरे हाथी बाजार में पोस्टर चिपका दिए, पर ऊपर बैठे हनुमान जी तो सब नजर गड़ाए बैठे हैं। वही इसी गदा घुमाई की बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल गई और बदनामी वरदान साबित होगी धर्मपाल और उसकी छोरिया के खातिर। एक तीर से दो निशाने लगे धर्मपाल के, लॉटरी लग गई समझो लॉटरी। दामाद के साथ साथ दुकान चलाने वाले भी मिल गए। थोड़े दिन में ठीक होते ही एक और ब्रांच खोलेगा धर्मपाल, दामाद के रूप में वारिस मिल गए उसे। लोग कहते थे कांटे लाल में संस नहीं है, लो जी संस भी मिल गए, वो भी काबिल। मैं तो यूं कहूं कि धर्मपाल ने अब दो ब्रांच खोल लेनी चाहिए, एक को गन्नू संभाल लेगा और एक को सत्तू, और ओरिजिनल को संभालने के लिए धर्मपाल तो है ही। तो मैं हिल स्टेशन की टिकट रह नहीं देता हूं। ये हो क्या रहा है कि दुकान मेरे हाथ में आते आते हर बार कैसे निकल जाती है? रे धर्मपाल, कहां से किस्मत लिखवा के आया रे तू, जो मेरे फैलाए जाल को कुतर के बार बार बच जाता है। मैं तो तेरे दांतों की धार को कम कर रहा था, और लगता है अब तो तेरे दांत तोड़ने ही पड़ेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.